दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, SC ST एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। SC ST एक्ट को लेकर भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद इस मुद्दे पर राजनीति काफी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं अब BJP ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में BJP अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि SC ST एक्ट को खत्म कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। शाह ने ये कहते हुए राहुल पर निशाना साधा कि वो इस तरह का झूठ फैलाकर समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए राहुल ने क्या कहा। दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, SC ST एक्ट को रद्द कर दिया जाता है, SC ST एक्ट को रद्द कर दिया जाता है, SC ST एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। राहुल ने कहा कि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राजनीति में आमतौर पर नेता इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह गलत था। राहुल ने कहा कि SC ST एक्ट को खत्म कर दिया गया है, जबकि सच ये है कि ना तो सरकार ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को दिए अपने आदेश में सिर्फ इतना कहा कि एक्ट के तहत FIR दर्ज करने से पहले तफ्तीश की जाए और प्रारंभिक जांच में शिकायत वाजिब पाए जाने के बाद ही FIR दर्ज की जाए। दरअसल सोमवार को भारत बंद के दौरान जिस पैमाने पर हिंसा हुई, उसमें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से किए गए दुष्प्रचार का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। आरक्षण को लेकर भी कई तरह की अफवाहें उड़ाई गईं, जिसका नतीजा इन तस्वीरों के रूप में सामने आया। 10 लोगों की जान चली गई और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। BJP का आरोप है कि कई विपक्षी दल के नेताओं ने भी स्थानीय स्तर पर हिंसा भड़काने का काम किया। चुनावी माहौल में इस तरह की अफवाहें तेजी से फैलाई जाती हैं। यही वजह है कि अब BJP ने भी इस तरह के दुष्प्रचार के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। नवभारत टाइम्स.com की रिपोर्ट।